शामिल है ना, जिसके YouTube पर 25 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और आज के टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और ट्रेंडिंग में चलने का एक रीजन है उनका इंडिया गॉट टैलेंट। ये एक इनका शो है जहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, जिनसे ये लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तन्मय भट्ट वो इंसान है जिन्होंने शामिल रहने को फेमस किया था। अगर तन्मय भट्ट नहीं होते तो समय रहना शायद ही इतना ज्यादा फेमस हो पाता। तन्मय भट्ट ने अपना YouTube वीडियो में समय रहना को इंट्रोड्यूस किया था और उस टाइम समय रहना को कोई जानता भी नहीं था। तन्मय भट्ट ने अपने वीडियो के अंदर समय रहना को लिया, मतलब कुछ तो बात उसके अंदर थी, तब तन्मय भट्ट ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। आज समय रत्ना इतना मचा रहा है आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ वो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं तुम्हें उसकी पूरी बायोग्राफी नहीं बताऊंगा, कुछ स्पेशल पार्ट्स दिखाऊंगा जिससे तुम लोगों को आइडिया लग सकेगा। जो इतनी सारी कॉमेडी करते हैं, फनी बातें करते, उनके पीछे उनका रीजन है उनका बचपन। उनका बचपन तो बहुत ज्यादा खराब गया था, लेकिन सेफ चीज ने उनके कैरेक्टर को डेवलप किया। बचपन में ही उन्होंने इतना कुछ सुन लिया था कि उनके सामने कोई उनको रोस्ट करे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको ऑलरेडी आदत बन चुकी थी रोस्ट होने की, जिससे बेसिकली फिट इंसान बन चुका था। और मेन बात तो यह है कि दूसरों पर जोक करने से पहले खुद के ऊपर जोक लेना सीखना पड़ता है, वही समय रहना ने किया। और वो बचपन से तो यही करते आ रहे जो बहुत पहले से सीख गए थे। आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू क्राई इन द बस एंड व्हेन आई वाज टू कम डाउन माय मॉम वुड बी स्टैंडिंग देयर एंड आई कुड नॉट टेल हर बिकॉज़ आई सीन हाउ दे हैव पुट मी द स्कूल। तो मैं एकदम आंसू पहुंच के मम्मी यार कैसा दिन, मेरा क्या दिन था यार मम्मी, क्या दिन गया, आज तो बेस्ट दिन था एकदम। It was like that. इसीलिए समय रहना कॉलेज के अंदर सबसे फनी इंसान था। उन्हें कोई टेंशन रहती नहीं थी, कोई कुछ बोलते उन्हें कोई मतलब था नहीं, इसलिए वो चिल रहते थे। पर वही कारण बना उनके स्टैंड अप कॉमेडी का। और कॉलेज के अंदर जोक भी अच्छे खासे मारने स्टार्ट करते थे, स्टैंड अप कॉमेडी टाइप करने लग गए थे। स्कूल लाइफ की कंपैरिजन में कॉलेज लाइफ बहुत ही सही गई थी और यही से सारी चीजें चेंज होनी स्टार्ट हुई। क्लास के अंदर वो बहुत ज्यादा फनी थे, इसलिए उन्हीं के कुछ दोस्तों ने रिकमेंडेड किया कि भाई एक जोक सुनाओ तेरे को, और फिर वो सुनाता था मैं उनको, और कई बार अच्छे जोक होते थे वो चलते थे। तो दैट्स हाउ आई मेड फ्रेंड्स कि भाई ये समय बंदा बहुत फनी जोक सुनाता है, भाई एक जोक सुनाओ ना, एक जोक सुनाओ ना, तुम स्टैंड अप कॉमेडी करना स्टार्ट करो, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। तो समय रहना अपने ऊपर कॉमेडी करना, फनी बातें करना स्टार्ट किया, जिससे उनकी स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत हुई।